प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो पोजीशन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर आए खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। अश्विनी जोशी की बदली क्यों की? क्योंकि अश्विनी जोशी ने पूरे सात बारह का तलाश करना शुरू कर दिया था और इनके जितने दोस्त थे त्रिवेदी त्रिपाठी शाह, सब इनके दोस्त तो ऐसे ही है ना, सब त्रिवेदी त्रिपाठी शाह अग्रवाल, इनका कोई मात्रे ऐसा दोस्त नहीं रखते हो, छोटी मोटी हस्ती ऐसी दिस्ती नहीं करते हो। और खान सैयद ये तो भूल ही जाओ, वो तो दोस्त मंजूर ही नहीं हो उनको। तो मैं अगर मंत्री रहता सबसे बड़ा कारोबार भिवंडी का क्या है आज की तारीख में? लूम, लूम और गोडाउन। मैं ये कोशिश करता कि 10 साल में मेरा एक निशाना रहता कि जितना हो सके मैं गोडाउन को मदद करूंगा, जितना हो सके मैं लूम को मदद करूं। एक 5 पैसे की मदद की, 5 पैसे की। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ऐसे गुंगे पहरे सुनने वाले अच्छे नहीं लगते। जरा सामने से आवाज आता है ना तो वक्ता को भी मजा आती है बात करने में। ऐसे बैठे गुंगे जैसे पैरालिसिस हुए ऐसे। अरे तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा दुख दर्द हमें और दर्द देगा, हम और जोर से उठ जाएंगे। ये देश में जो माहौल है, कल ही अमित शाह जी ने भाषण किया ना कि मुसलमानों के जितने आरक्षण है सब रद्द कर देंगे, मदरसे जितने बंद कर देंगे। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों होते? अरे ये वतन पे जितना तुम्हारा हक है उतना सभी का हक है ना, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी के खून ने इस जमीन को सींचा है तो तुम क्या हमारी तकदीर की रेखा भी खींच लोगे क्या? जब आदमी काम नहीं करता वो फितने लगाने की कोशिश करता है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, क्या बताएंगे? 15 लाख तो अमित शाह ने बोल दिया कि मोदी साहब का वो जुमला था, तो वो भूल जाओ, वो तो भूल ही जाओ। अभी उसका इंतजार मत करो, 15 लाख नहीं आने वाला है। अमित शाह जी ने बोल दिया कि वो झूठा था। अभी झूठा कौन बोला? कौन बोला? 15 लाख दूंगा कौन बोला? तो उन्होंने जब बोला झूठा था तो झूठा कौन है? मोदी जी झूठे हैं ऐसे हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो अमित शाह बोल रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देंगे, इधर एक भी माई का लाल है क्या जो बोलेगा हमको रोजगार मिला हो तो उठा हाथ? मिला? गैस के सिलेंडर का भाव कम हुआ? स्मृति ईरानी ने इसके ऊपर बात की कहीं दिखाई दिया? ऐसा है पिछले 14-10 साल में पेट्रोल का भाव 63 से 103 हो गया, महंगाई 10 गुना बढ़ गई, दाल का भाव 3 गुना बढ़ गया। बराबर है? मेरी महिलाएं मेरी बहनें बताएं
क्यों यार ये किनारे कर दिए यार बहन लोगों को, उनको इधर जगह देनी चाहिए थी ना। ये गलत बात है, अगले बार जब भी तुम आओगे इधर बैठोगे, तुमको ऐसा मुझे देखना अच्छा नहीं लगता है। तो सत्ताधारी करके जब सत्ताधारी पक्ष काम करता है तो उन्होंने पिछले जमाने में जो वायदे किए थे वो पूरे करते हुए नजर आने चाहिए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि आंदोलन में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, और हमने ये गलती कर दी कि हमको उसको सत्ता में ला बिठाया। हमारे कांग्रेस वाले, हमारे राष्ट्रवादी वाले, हमारे शिवसेना वाले, हमारे समाजवादी वाले, हम लोग स्मृति ईरानी के इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। वो कैसी लेके आती थी सिलेंडर और रास्ते पे बैठ जाती थी, कैसे 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 बात करती थी। इसलिए स्मृति ईरानी विरोधी पक्ष में ही अच्छी है, सत्ता में जाती है तो बदल जाती है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सत्ता पक्ष में न रखते हुए विरोधी पक्ष में ला के रखो तो अच्छा काम करते हैं। रस्ते पे आते हैं, आंदोलन करते हैं, और जो सत्ताधारी पक्ष है उसको सीधे रस्ते पे चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज देश के हालात क्या है, ये लोकसभा की इलेक्शन है। मैं ये टोरेंट, ये मामूली बातें हैं, ये बाले मामा ऐसे करके छुड़वा लेगा। बात देश के ऊपर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पे में रोड रोलर किसके ऊपर चढ़ाएंगे उसकी बात होनी चाहिए। दिल्ली के दंगों के बाद किसके घर तुड़ाएंगे उसके ऊपर होनी चाहिए। 370 कलम होने के कलम हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ उसके ऊपर होनी चाहिए। जिन चीजों पे तुमने 2014 का चुनाव लड़ा था वो चीजों का क्या हुआ उसके ऊपर होना चाहिए। ये मैं अंदर का रास्ता बनाऊंगा और मैं तुमको गांव सुधार के दूंगा, ये काम लोकसभा का नहीं है, ये तुमको मूर्ख बनाने की लाइन है। वो 10 साल वही करता आया। महानगर पालिका है ना, एक सेंट्रल मिनिस्टर फोन कर देता कि मैं 1000 करोड़ रुपया भेज रहा हूं, भिवंडी में जितने संडास है सब ठीक कर दो, हो जाता है। आप तो उसके मिनिस्टर थे ना, आप तुझे वजीर थे, मंत्री थे, भेज देते। पर आपको तो शौक बड़े है ना, यहां पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है आजू बाजू में इतनी इधर उधर, उधर से हफ्ता कौन वसूल करता था उसका नाम बताओ। हंसते मत बोलो यार, हिम्मत है तो जोर से। कपिल पाटिल नहीं वसूलता था, वो सुबह डॉन है सुमित पाटिल, ये देखो असली नाम बाहर आया। कपिल पाटिल का नाम लेके उसको बदनाम मत करो, वो अच्छा लेकिन जो गैंग वो पालता है वो बहुत बुरी है। स्कॉर्पियो बटा, स्कॉर्पियो बटा, अरे ले लो, तुम भी मिले तो ले लो स्कॉर्पियो, कोई बुरा नहीं होगा। जिसके घर में पैसा है उसके घर में से 2 नोट उठाई तो कुछ बुरा नहीं होता है, और पैसा उसके मेहनत का होता तो मैं आपको गाली देता। ये तो तुम्हारे से ही जमा किया हुआ पैसा घर में रखा है। हम ये जरूर कहेंगे कि हम भिवंडी को मुमरा बनाएंगे। मुमरा बदला के नहीं बदला, रस्ते अच्छे हुए कि नहीं हुए। आज मोहम्मद अली की रोड के बाद सबसे बड़ा मार्केट अगर कहीं बैठता है तो इंशाल्लाह मुझे
कॉलर ऊपर करके बोलने में आनंद होता है कि बुमराह का है। अमन शांति है, कोई भाई नहीं, कोई दादा नहीं, कोई वसूली नहीं, छुटपुट करते रहते, वो तो आदत है अपने लोगों को, कोई गलत बात नहीं। लेकिन जो बुमराह का बदनाम नाम था, अशान से पूरे भारत में लिया जाता है, खुशी है मुझे। एक बैंक नहीं थी 2009 में, आज 11 बैंक है, 11 बैंक। एक एटीएम मशीन नहीं था, आज 20 से 21 एटीएम मशीन है। और काम सिर्फ मुमरा में नहीं हुआ, कलवा में भी हुआ। हम बात जब सेक्युलरिज्म की करते हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए, आप तो सेक्युलरिज्म का नाम ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हटाया, जब पर्चियां बांटी गई थी नए संसद भवन में, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना बांटा, तो उसमें से सेक्युलरिज्म का नाम ही निकाल दिया था। जब बवाल खड़ा हुआ तो फिर जाके बोला प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इनके दिल में जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, क्योंकि ये इस देश को सेक्युलर रखना नहीं चाहते। मेरी महिलाएं यहाँ पे बैठी है, पूरे भिवंडी के महिलाओं को जाके बोलो, जिस तरीके का व्यवहार मेरे मणिपुर के बहनों से हुआ था, जब उसको नंगा रास्ते पे घुमाया था, उनके ऊपर अत्याचार रास्ते पे किए गए थे, जब महिला चिल्ला रही थी, ये तो छोड़ दो कि प्रेस वाले बता भी नहीं रहे थे, आपको नहीं बोल रहा हूँ, गलत मत लेना, लेकिन बड़े बड़े प्रेस वालों गायब हो गए थे। ये देश इंदिरा गांधी का देश है। एक औरत जिसने खुले सभा में अमेरिका को बोल दिया था कि किसी भी जुल्म और जबरदस्ती का सहन ना तो मैं करूंगी और नहीं मेरे लोग करेंगे, तुमको जितनी दादागिरी करना है कर लो, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे, ये थी इंदिरा गांधी। हमें फख्र है कि वो औरत हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, कोई पुरुष से कम नहीं थी। अगर हम बाहर देश जाते हैं तो लोग पूछते हैं मणिपुर में क्या हुआ, क्या बोले हम उनको कि हमारे बहनों को नंगा कर दिया था, क्या बोले उनको कि हमारे बहन के ऊपर बलात्कार किया गया था, क्या दुनिया वाले पूछेंगे नहीं कि तुम लोग क्या अंधे थे। मुझे यह नहीं समझ में आता आज के रोज में कि भारत के आवाम को गुस्सा आना क्यों कम हो गया है, क्या हो गया है भारत के आवाम को, इतना अन्याय और अत्याचार बढ़ता हुआ देख रहा है। वो बेंगलोर में एक अकेली लड़की उतरी स्कूटर से, बिना पर्दा निशीन थी, उसके पास पहुंचे सब हमारे बजरंग दल के गुंडे, अरे साला वो औरत को सलाम करना चाहिए, घबराई नहीं। पर ये कौन सा तरीका है कि एक लड़की चल रही है और 100 गुंडे उसके पीछे चिल्ला रहे हैं, ये हिंदू संस्कृति नहीं है, हम हिंदू ऐसे नहीं है। जितना वो हिंदू है उससे ज्यादा मैं हिंदू हूं, और किसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए मोहताज नहीं हूं। तुम क्या करना चाहते हो इस देश में? कल पुरसों किधर ब्लास्ट हुआ, दो आरोपी पकड़े गए, दोनों कर्नाटक के थे, यानी बॉम्ब ब्लास्ट तुम लोग करने का, और आस्ते से सुई ढकेल देने की उसकी तरफ। दोनों पकड़े गए, दोनों कर्नाटक के ऊपरी क्रास के, ऊपर कास्ट है ना हमारी, एक अपर कास्ट, उसके संबंधित लोग पकड़े गए। ये कैसे होता है?
द्रौपदी जी को ये टोपी पहनाई गई। किधर गई हमारी टोपी? ये टोपी इधर, टोपी ना। ये टोपी मैं तो ऐसी ही पहन लेता हूँ। क्या बात है? इससे क्या होता है? इससे किसी का धर्म भ्रष्ट होता है? इससे किसी का धर्म भ्रष्ट होता है क्या? लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए जब ये टोपी पहनाने गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये टोपी नहीं पहन सकता। जब उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि इतने मुसलमान मारे गए आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ, बोले गाड़ी के नीचे कुत्ते आते हैं और मर जाते हैं तो दुख तो होता ही है, तो इंसान को कुत्ता कहने का कौन सा तरीका है? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मालूमात है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसको मालूम है? सच बताओ, सच सच बताओ, किसको मालूम है? देखो अनजान कितने लोग हैं, देखो कैसे लड़ोगे बीजेपी से, कैसे लड़ोगे बीजेपी से जब तुम्हें मालूम ही नहीं कि देश दुनिया का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कांड है। कैसा कांड है? कैसा कांड है ये? अभी ये एक बड़े कंपनी के मालिक है, इनके गले में डाल दिया फंदा। देखो ऐसा फड़फड़ाने लगे ना, फिर वो छुड़ाने के लिए थोड़ी सी सेल कर देने की, फिर वो पूछेंगे अरे छोड़ दो ना भाई, तो बोलेंगे तेरा धंधा क्या है? तो वो ये बोलेंगे मैं रास्ता बनाता हूं। तो बोलेंगे ये ले तुझे 10,000 करोड़ रुपए का रास्ता देते हैं, ये भी खुश? तो ये बोलेंगे हाँ हाँ दे दो ना साहब, मैं आपको 1,000 करोड़ रुपए आप भी दे देता हूं। यानी एक तरफ चंदा दो चंदा मिला, धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। अरे देश बेचने का काम कर रहे थे। हमारे थाना में और तुम्हारे भिवंडी के नजदीक ब्रिज बना है, रास्ता बना है समृद्धि, उसमें कॉन्ट्रैक्टर है मेगा इंजीनियरिंग, उसको 14,000 और 15,000 का काम मिला है। ये 15,000 का था, थाना का 14,465 करोड़ का था, ये 15,500 कुछ करोड़ का है। ये दो काम मिले, उन्हें धंधा ले लिया और 1,000 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। ये तो ऑथराइज करप्शन हो गया। अब मुलाकात देते हैं तो मोदी जी कहते हैं हमने कैसे ट्रांसपेरेंसी रखवाई थी ये देखो। अभी लोगों को नहीं समझता है कि मोदी जी 30 अक्टूबर को जब तुम्हारा वकील कोर्ट में गया था पहली बार, तो तुमने इंग्लिश में यह कहा था कि इफ द कंट्री टॉक्स अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड दे आर ओपेंड इट विल क्रिएट कमोशन इन द कंट्री। कमोशन का मतलब क्या है? हाहाकार, यानी बेदिली मच जाएगी। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मालूमात खोल देते हैं तो बेदिली मच जाएंगी। क्या बेदिली मच जाएंगी? आप लोगों से क्यों छुपाना चाहते थे? अब जब आप कह रहे हो कि हमने ही वो ट्रांसपेरेंसी करवाई तो फिर आप छुपाना क्यों चाहते थे? फिर उस दिन पहले बार उन्होंने 15 दिन की तारीख मांग ली, जब 15 दिन हो गए तो दूसरी बार आए और कहा और 15 दिन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा 24 घंटा देते हैं, कोई बड़े कागजात नहीं है, लाके पेश करो। फिर उसको और आगे लेके जाने के लिए एसबीआई ने हरीश सालवे को वकील किया जो इंग्लैंड में बैठता है। हरीश सालवे इसकी फी कितनी है ये आरटीआई में डाला तो एसबीआई बताने को तैयार नहीं।
एसबीआई के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा एसबीआई में है। एसबीआई में जो भी पैसा है वो इस देश का पैसा है, वो किसी का बाप ज्यादा की मालमत्ता नहीं है। हर इस साल में एक दिन का 1 करोड़ रुपया लेता है, 1 करोड़। उसने भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भाई तुम रस्ते पे नहीं खड़े हो और रस्ते के चौक सभा में नहीं बात करो, जरा रास्ते से बात करो। और फिर कहा कि 24 घंटे के अंदर पूरा हिसाब ला के सुप्रीम कोर्ट में दो। उसका किसने किसको दिया, किसने किस क्या लिया, ये सब मालूमात इस देश को मालूम होनी चाहिए। इसलिए आज हमें पता चला कि क्या हो रहा है देश में। कोविड में सबको मालूम है एक इंजेक्शन बहुत फेमस था, उसका नाम था रेमडेसिविर। मालूम है, जानते हो रेमडेसिविर का नाम जानते हो? कि इधर हो गांवटी अध्यक्ष औषधि चलता था, मालेगांव का औषध चलता था। रेमडेसिविर इतना चलने वाली दवाई थी क्या पूछो मत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इसको बंद कर दो, ये जानलेवा है। और भी कुछ हॉस्पिटलों ने कहा कि इसके अंदर फंगस है, बैक्टीरिया है, इससे मौत हो सकती है, मौत हो रही है। सुने नहीं। गुजरात के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, एफडीए जिसको बोलते हैं, कोई केमिस्ट है क्या, केमिस्ट उसको मालूम है एफडीए क्या होता है, उन्होंने उसको परमिशन दे दी। और अब पता चलता है हजारों मौत होने के बाद कि वो मौत के जिम्मेदार रेमडेसिविर थी, और रेमडेसिविर देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया गया, 85 करोड़ रुपीज, 85 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को दिया गया। तो तुम्हारे मौत के जिम्मेदार होने के नाते तुम्हारी मौत की फिक्र नहीं थी उनको, उनको 85 करोड़ रुपए की फिक्र थी जो उनको मिलने वाले थे। इंसानियत कहीं है? बोले गुजरात मॉडल लेके आएंगे। 10 साल में गुजरात मॉडल तो आया नहीं है, लेकिन उड़ता गुजरात दिखा दिया। आज सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात में पकड़े जाते हैं, 3000 करोड़, 4000 करोड़। ये ड्रग्स कहां से आते हैं और फिर गुजरात में ही क्यों उतरते हैं? क्योंकि गुजरात में आज ड्रग्स को प्रोटेक्शन देने वाली गवर्नमेंट बैठी है।